महाराष्ट्र के राज्यपाल असाधारण कॉन्स्टिट्यूशनल पद को धारण करने के बाद भी साधारण व्यक्ति को गवर्नर ऑफ अपना लगे, ऐसे बड़े मन से हम सबको संभालने वाले माननीय श्री भगत सिंह जी कोश्यारी साहब, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, मेरे नेता, हम सब के लाडले माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस, इस डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी श्रीमती मनीषा वर्मा, श्री राम सिंह रामलिंगम जी, बड़ी संख्या में उपस्थित यहाँ पर महाराष्ट्र की परिस्थिति को समझकर सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में आगे आए हुए जॉब देने के लिए जिन्होंने आज एमओयू किया, ऐसे सारी एसोसिएशन इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स सबका मैं यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम सबके मन में जब माननीय देवेंद्र जी हो, गवर्नर साहब हो, तो नेचुरल है उनको ज्यादा सुनने की इच्छा रहती है। और बहुत ईमानदारी से महाराष्ट्र का एक स्वर्णिम काल 2014 से 19 के बीच का रहा, जब एक ऐसा व्यक्ति महाराष्ट्र का नेतृत्व कर रहा था जिनको विजन था, जिनको वर्किंग एफिशिएंसी थी, जिनको सबको लेकर साथ चलने की बहुत जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी थी, और जो नरेंद्र भाई मोदी के मानस पुत्र के रूप में हम सब लोग इनको जानते हैं, ऐसे माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में वापस आज मुझे इस बार काम करने को मौका मिला। जॉब देने के लिए बहुत कम लोग होते हैं, आज आप लोग आए हैं, 300 लोग आए हैं, और जॉब लेने के लिए 110,000 वैकेंसी अपने पास है। हर समय ऐसी स्थिति रहती है, देने वाले बहुत लिमिटेड रहते हैं, लेने वाले बहुत रहते हैं। हमारे राजनीति में भी ऐसी स्थिति रहती है, मैं भी 27-28 साल तक लगातार एप्लीकेशन लगाता रहा, अगली बार वेटिंग, रिजेक्टेड, और इस बार देवेंद्र जी ने मुझे नौकरी दी और बहुत अच्छी पोस्टिंग भी दी। सार्वजनिक रूप से पहले मेरा उन्होंने मेरे को थोड़े दिन के लिए इंटर्नशिप पे रखा था, 3 साल के लिए मुझे उन्होंने बॉम्बे का अध्यक्ष नहीं बनाया होता तो मैं इस बार भी लटक जाता, इस बार भी मंत्री नहीं बनता। कभी कभी मौके आते हैं, मन की बात कह लेनी चाहिए। बहुत दिनों से देवेंद्र जी को धन्यवाद देना चाहता था, आज गवर्नर हाउस में सबके सामने उनको धन्यवाद दे रहा हूँ। यह महाराष्ट्र बहुत बड़ा है, महाराष्ट्र भारत का नंबर 1 स्टेट है, था, रहेगा, आज है, आज शायद नहीं है, तो महाराष्ट्र नंबर 1 पे कौन ला सकता है? तो केवल क्या सरकार ला सकती है या उसमें हमको भी हमारी कोई जिम्मेदारी लगती है? हम लोग जो मुंबई में आके रह गए हैं, महाराष्ट्र में आके जिन्होंने अपनी फैक्ट्रिया दुकान प्रोफेशनल्स लगा दिया है, वो महाराष्ट्र छोड़ के जाएंगे नहीं। यहाँ पर ऐसा कुछ एक अट्रैक्शन है कि महाराष्ट्र के छोड़ के जाने के बाद कहीं मन लगता नहीं है, और इसके लिए यहाँ पर रहते हुए इसको कैसे स्वर्ग बनाए, इसको कैसे अच्छा बनाए। हमारे जॉब नहीं जाने चाहिए, जो जॉब गए वो वापस आने चाहिए। हर उस बच्चे को जो कि जॉब लेने के लिए जिसके पास एंटाइटलमेंट है, उसको जॉब देने के लिए हम लोग मिलकर वातावरण बनाएंगे, उसको जॉब प्रोवाइडर बनेंगे, और हम सब लोग मिलकर यदि तय कर लेंगे तो आज हम सबको जानकारी है कि प्रतिदिन 5 लोग मिडल ईस्ट में जाके रहने को लग जाते हैं, हर एक सप्ताह के अंदर 10 लोग यूरोप में जाके रहने को लग जाते हैं, हर एक महीने में 5 लोग अमेरिका में जाकर बस जाते हैं। ये सब हमारा क्रिएशन था, हमारा ये सब एक अच्छे बच्चे हैं जिनको हम यहाँ रिटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या हम सब मिलकर इस सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में आगे से तय करेंगे कि हम सब यहाँ पर, जैसा कि मनीषा वर्मा मैडम ने कहा कि आप जॉब देने के लिए आज आपने बहुत बड़ा यहाँ पर काम किया है, आपको पता नहीं कि आपके हाथ से क्या काम हुआ है। जब एक तरफ हमारे ऊपर बार बार एलिगेशन लगते हैं कि यहाँ से जॉब जा रहे हैं, फैक्ट्रियां जा रही है, वहां पर 10,000 जॉब जा रहे हैं तो पूरे बीबीसी तक न्यूज आ जाती है, 15,000 जॉब चले जाए तो सोशल मीडिया ढक जाता है। आज इस हॉल के अंदर बैठकर आप 1,21,000 लोगों को जॉब देने वाले हैं, और ये आप अगले 1 साल के अंदर देने वाले हो। तो देवेंद्र जी, आपको विश्वास है, आपको ये पता है कि ये सारा काम बहुत ईमानदारी से, रात के अंधेरे में भी किसी ने तालाब में पानी नहीं डाला है, सबने दूध डाला है, ये सब लोगों ने तैयारी करके ये आपकी लिस्ट दिए कि हम कितने लोगों को कौन कौन से जॉब देंगे। हम पूरे महाराष्ट्र के अंदर जॉब मेले करेंगे, महाराष्ट्र के 300 जॉब मेले अगले 1 साल में होने वाले हैं, और साथ में स्किल के बारे में भी जो कुछ आपको बताएगा, स्किल सेंटर्स के रूप में हम हमारी 589 जो हमारी ITIs हैं वहां पर अपग्रेडेड स्किल सेंटर खोलने वाले हैं। और यही नहीं,
28,000 हमारे पास में ग्राम पंचायत है, हमारा टारगेट है। माननीय मोदी जी ने जब 2014 के अंदर ये डिपार्टमेंट शुरू किया था, 2014 में देवेंद्र जी ने यहाँ पर ये डिपार्टमेंट की महाराष्ट्र में पहली बार स्थापना की थी, तब उनका सपना था कि रोजगार गांवों में निकले ताकि गांव के बच्चों को शहरों में नहीं आना पड़े। आज हम माननीय देवेंद्र जी के सामने, माननीय कोश्यारी जी के सामने ये अपना निश्चय प्रकट करते हैं कि एक साल के अंदर महाराष्ट्र के 1,000 गांवों में हम स्किल सेंटर खोलेंगे और 5 साल के अंदर महाराष्ट्र के अंदर बच्चे नौकरी के लिए शहरों में नहीं आए, उनकी पसंद का काम, एग्रो बेस काम, गांव का बेस काम उनको वहीं पर मिले। ये सब काम हम सब लोग यहाँ पर मिलके करेंगे। ये सब हम मिलकर यहाँ पर माननीय गवर्नर साहब के सामने माननीय देवेंद्र जी को विश्वास दिलाते हैं और मेरी बात केवल भाषण करके निकल नहीं जाए, साथ में मिलकर हम काम करेंगे, इस सपने को सच करेंगे ताकि अगली बार जब हम देवेंद्र जी से मिलने को आए तो देवेंद्र जी हमें पहचान भी लें और मान भी लें कि आपने 5,000 लोगों को एमओयू साइन किया था नौकरी देने का। मुझे खबर है कि आपने 5,200 लोगों को नौकरी दी है। इनका वार रूम, इनका बैक रूम बहुत अच्छा काम करता है, मैं भी दिन भर क्या करता हूँ इनके पास में खबर रहती है। तो हम सब लोग जो एमओयू साइन किए हैं उसको पूरा करें, इसी शुभेच्छा के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।